इस समारोह में आप सभी प्रतिभावान बच्चों को देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं सभी बच्चों को हार्दिक बधाई देती हूँ। आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों को मैं विशेष बधाई देती हूँ। बच्चे हमारे देश की अमूल्य निधि है। बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए किया गया हर प्रयास समाज और देश का भविष्य संवारता है। हम सभी को बच्चों की सुरक्षित और खुशहाल बचपन तथा स्वर्णिम भविष्य के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बच्चों को पुरस्कृत करके हम राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को प्रोत्साहित और सम्मानित कर रहे हैं। आज के पुरस्कार के लिए जिन क्षेत्रों को शामिल किया गया है वह चरित्र निर्माण तथा समाज और संस्कृति के समग्र विकास से जुड़ी हुई है। इस प्रकार की परिकल्पना के लिए मैं महिला और बाल विकास मंत्री सुश्री स्मृति ईरानी जी को और उनके पूरे टीम को मैं सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि एक राष्ट्रीय चयन समिति ने विभिन्न संस्थानों और संगठनों के साथ किए गए परामर्शों को ध्यान में रखकर पुरस्कार विजेताओं को चयन किया गया है। ऐसे प्रक्रिया के कारण पुरस्कारों की विश्वसनीयता और महत्ता बढ़ गया है। मैं चयन समिति की सभी सदस्यों को साधुवाद देती हूँ। कुछ पुरस्कार विजेताओं ने इतनी कम उम्र में ऐसे अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया है जिनके बारे में जानकर मैं आश्चर्यचकित हूँ और अभिभूत भी हूँ। इसके उदाहरण सभी बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणादायी है। इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा वीर बाल दिवस मनाया जाने के फल बहुत ही सराहनीय है। स्वयं प्रधानमंत्री महोदय ने इस पहल को ऊर्जा प्रदान की है। इस पहल को आगे बढ़ाते हुए आज यंग हीरोज ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन एक महत्वपूर्ण कदम है। गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के अमर बलिदान से लेकर ओडिशा के वीर नाभिक बालक बाजीरावत, आजाद हिंद फौज की वीर किशोरी सरस्वती राजनमणि और असम में जन्मी बाल वीरांगना तेलेश्वरी बरुआ सहित इस पुस्तक के संकलित शौर्य गाथाएँ भारत की गौरवशाली परंपरा का स्वर्णिम अध्याय है। ऐसी पुस्तकों से हमारे देश के बच्चों और युवाओं में प्रेरणा का संचार हो रही है। प्यारे बच्चों, आज के दिन स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी दो महान विभूतियों की जयंती पर उनकी स्मृति को सभी देशवासी सादर नमन करते हैं। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में वीर सुरेंद्र साय ने अंग्रेजों के दमन के विरुद्ध संघर्ष किया और मृत्यु दम तक उनके विरुद्ध लड़ाई लड़ते रहे। उन्हें लंबे समय तक जेल में कैद रखा गया और जहां उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। आज ही के दिन भारत माता के वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी है। नेताजी की आरंभिक शिक्षा ओडिशा के कटक जिले में हुई थी। कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में पढ़ाई शुरू करने के बाद उन्होंने कटक में ही रेवेन्शा कॉलेजिएट स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। वहाँ अध्ययन के दौरान स्वामी विवेकानंद और श्री अरविंद के विचार के उन पर बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने भारतीय वस्त्र और वेशभूषा भी अपनाई। वे अत्यंत मेधावी विद्यार्थी थे। उन्होंने ICS की अत्यंत कठिन परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया, लेकिन देश प्रेम और स्वाभिमान के कारण उन्होंने इतने प्रतिष्ठित नौकरी का परित्याग किया। एक समृद्ध परिवार से पलिवड़ी नेताजी ने संघर्ष की राह चुनी। स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय होने के कारण जब नेताजी पहली बार गिरफ्तार हुई तब उनकी आयु केवल 24 वर्ष थी। उनकी गिरफ्तारी की खबर सुनकर उनके पिताजी ने
उनके बड़े भाई शरद चंद्र बोस को एक पत्र में लिखा, मुझे सुभाष पर गर्व है, तुम सब पर गर्व है। प्यारे बच्चों, हम सभी भारतवासियों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर गर्व है। नेताजी अपने प्राणों की बाजी लगाकर यूरोप से जापान तक ब्रिटिश शासन के खिलाफ निरंतर युद्धरत रहे। उन्होंने आज़ादी मिलने से पहले ही भारतीय स्वाधीनता की भावना को अभिव्यक्त किया और मणिपुर तथा अंडमान में तिरंगा लहराया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से हम सबको विशेष रूप से बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए। नेताजी के आज़ाद हिंद फौज के द्वारा अपनाया गया जय हिंद का उद्घोष सभी भारतवासियों का जय घोष बन गया। ये साहस और देश प्रेम के अद्भुत उदाहरण थे। मैंने थोड़ा विस्तार से नेताजी के बारे में इसलिए बताया कि हमारा देश के बच्चों और युवा पीढ़ी को ऐसे राष्ट्र निर्माताओं के बारे में व्यापक जानकारी होना चाहिए। नेताजी की जयंती को आज पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। नेताजी के जीवन से राष्ट्र गौरव को सर्वोपरि मनाने की शिक्षा मिलती है। सभी देशवासी पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमें अपनी आज़ादी कठिन संघर्ष के बाद मिली थी, इसलिए नई पीढ़ी से अपेक्षा है कि आप सब इस आज़ादी की कीमत को पहचानें और इसे सुरक्षित रखें। आप देशहित के बारे में सोचें और जहाँ भी मौका मिले देश के लिए काम करें। आप अपने दायित्व के प्रति निरंतर प्रयासरत रहेंगे तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। प्यारे बच्चों, भारत के जीवन मूल्यों में परोपकार को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। जो केवल अपने लिए ही जीते हैं उनका जीवन अधूरा है। उन्हीं का जीवन सार्थक है जो दूसरों के लिए जीते हैं। पूरे मानवता के लिए प्रेम की भावना और यही नहीं पशु पक्षियों और पेड़ पौधों की देखभाल करने का संस्कार भारतीय जीवन मूल्यों का हिस्सा है। मुझे ये देखकर खुशी होती है कि आज के बच्चे पर्यावरण के प्रति अधिक सचेत हैं। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उससे पर्यावरण पर किसी प्रकार का बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे और जो पेड़ है उनकी रक्षा भी करेंगे। ऊर्जा की बचत कीजिए और इसके लिए बड़ों को भी प्रेरित कीजिए। देवियों और स्वजनों, जिस देश में ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे हो वो देश भी सबसे आगे तो रहेगा ही। इन प्रतिभावान बच्चों से लेकर उनसे मिलकर भारत के स्वर्णिम भविष्य के बारे में मेरा विश्वास और अधिक मजबूत हो रहा है। प्यारे बच्चों, वर्ष 2047 में जब देशवासी आज़ादी की शताब्दी का उत्सव मनाएंगे तो आप सभी होनहार बच्चे बड़े बड़े जमींदारियाँ निभा रहे होंगे। वर्ष 2047 का भारत विकसित और समृद्ध हो इसके लिए आप सबको आज से ही प्रयास करना होगा। आप हमारे भविष्य के कर्णधार हो। आपके प्रयासों से भारत की आन बान शान में निरंतर वृद्धि होती रहेगी। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।